हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 जनवरी 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और हम इस वीडियो में न्यूज़पेपर को यानी कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के आज के न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे और इसमें हम सिर्फ उन हेडलाइंस को देखेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनती हैं और उसके क्या इंपॉर्टेंट नोट्स हम तैयार कर सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में एडिटोरियल का भी हम एक आर्टिकल देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है और कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बनते जाएंगे जो आपको लगेगा कि मैं उसे नोट कर सकता हूं और वीडियो के लास्ट में एक नोट्स के तौर पर आपको कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसे नोट भी कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स को अगर आप विस्तारित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.rayacademy18.blogspot.com, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। और पिछले तारीखों के जो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस है वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दैनिक जागरण ने जो आज की मेन हेडिंग बनाया है अपने फ्रंट पेज पर, वो पहली हेडिंग है हमारी, गगनयान के लिए वायुसेना के 4 अफसरों का चयन किया गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि जो कल का अगर आपने न्यूज़पेपर वाला एनालिसिस देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि चंद्रयान 3 2020 में भेजा जाएगा और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो रही हैं। तो चंद्रयान 3 अगले साल के मतलब यानी कि इस 2020 में कभी भी लॉन्च होगा और मानव मिशन के लिए चारों का प्रशिक्षण यानी कि जो 4 पायलट वायुसेना के चुने गए हैं उनका प्रशिक्षण रूस में हो रहा है और इनका अंतरिक्ष यात्री का जो प्रशिक्षण है इसी महीने रूस में शुरू होगा। और इसरो के चेयरमैन के सिवन ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत गगनयान वर्ष 2022 तक पृथ्वी की धुरी पर चक्कर लगाने लगेगा। इनमें से जो अंतरिक्ष यात्री 4 भेजे जा रहे हैं उनमें से 3 अंतरिक्ष यात्री 1 हफ्ते के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी की धुरी पर चक्कर लगाएंगे। इस दौरान वह पृथ्वी की माइक्रोग्रेविटी और बायोसाइंस पर अध्ययन करेंगे। प्रशिक्षण इस महीने के तीसरे सप्ताह में रूस में शुरू होगा और भारत ने गगनयान अभियान के लिए रूस और फ्रांस से करार किया है और जबकि इससे पहले वर्ष 1984 में रूसी अंतरिक्ष यान से देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा गया था। और सिवन ने यह भी बताया कि चंद्रयान 3 परियोजना की लागत करीब 250 करोड़ है लेकिन इसकी लॉन्चिंग पर खर्च होंगे तकरीबन 350 करोड़, इसलिए इसकी कुल लागत जो होगी वो होगी 600 करोड़ रुपए। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि चंद्रयान की अगर लॉन्चिंग में कितना रुपया खर्च होगा तो टोटल होगा आपका 600 करोड़ रुपए। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है राजनीति से दूर रहती हैं सेनाएं। ये बोला है हमारे प्रथम CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने, जो कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए हैं और वो देश के पहले CDS नियुक्त हुए हैं। जनरल रावत ने कहा कि CDS के तौर पर वह तीनों सेनाओं के बीच संतुलन बनाते हुए एक टीम के रूप में सैन्य मजबूती के लिए काम करेंगे और इसके साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि सेनाएं राजनीतिक दखल को मंजूर नहीं करती हैं और इससे काफ़ी परे हैं। पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की शुरुआत हो गई है, ऐसे में CDS के अधिकारियों और कामकाज की तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं की गई है। जनरल रावत ने यह भी कहा कि उनका फोकस इस बात पर रहेगा कि तीनों सेनाओं के संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके, साथ ही तीनों सेनाओं के संसाधनों में तालमेल बिठाकर सैन्य पराक्रम क्षमता में इजाफा करना भी उनका लक्ष्य है। नेक्स्ट हेडलाइन पर आते हैं। माल्या की चल संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूली की जाएगी। विशेष अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 15 बैंकों के कंसोर्टियम को पूर्व शराब कारोबारी विजय माल्या की चल संपत्तियों का इस्तेमाल करके अपनी रिकवरी करने की आज्ञा दे दी है। विजय माल्या को 2016 में देश छोड़कर जो भाग गया था और इस समय ब्रिटेन में रह रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत
इन सभी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और इन्हें भगोड़ा घोषित किया गया था। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, इस पेज पर भी नहीं है, चीन सीमा पर शांति से ही सुलझेगा विवाद, ये बोला है हमारे नए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, और जो कि भारत चीन सीमा का विवाद जो है वो 3488 किलोमीटर लंबी है, जो भारत और चीन की सीमा है उस पर ये विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है। चीन ने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है, जबकि भारत इसे खारिज करता है। जनरल नरवाने ने आगे ये भी कहा कि मैं देश के लोगों को आश्वस्त कर रहा हूँ कि सैन्य बल देश को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, हम देश को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। जनरल नरवाने ने बिपिन रावत की जगह ली है और ये भारत के 28वें थल सेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है, पहले सीईओ हो सकते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। आपको पता होगा कि रेलवे बोर्ड में अब जो अध्यक्ष होते थे उनको अब सीईओ का दर्जा दिया जाएगा, तो हमारे पहले सीईओ हो सकते हैं विनोद कुमार यादव। देखिए यही है विनोद कुमार यादव जो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, यानी कि अध्यक्ष हैं। अब नेक्स्ट हेडलाइन पर आते हैं, देखिए एक न्यूज़ है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमें फिर भी इस न्यूज़ को ज़रूर पढ़ना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़, दो सैनिक शहीद। जो कि जम्मू के सांभा के राजौरी के उप जिले नौशहरा में बुधवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हमारे दो जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें राइफलमैन अर्जुन थापा मागर जो कि 25 वर्ष के थे और शहीद जवान लांस नायक थे संदीप रघुनाथ, ये 29 वर्ष के थे। इन्होंने हमारे लिए जान दी है, इसलिए इस न्यूज़ को तो जरूर ही मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। और अब नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं, राजपथ पर नए अवतार में नजर आएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू की जो प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग और कश्मीर की पेपर माछी हस्तकला नए अवतार में होगी। इस बार कला क्षेत्र राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि जो 26 जनवरी को झांकी प्रस्तुत की जाती है उसमें जम्मू कश्मीर की भी झांकी देखने को मिलेगी और इसका थीम होगा गाँव की ओर, गाँव की ओर। और जम्मू कश्मीर की झांकी को राज्य के प्रसिद्ध कलाकार वीर मुंशी ने तैयार किया है और कश्मीर की हस्तकला पेपर माछी और बोसोहली पेंटिंग का दुनिया भर में नाम है, काफ़ी फेमस है। झांकी के माध्यम से दर्शाया जाएगा कि मशीन के युग में होने वाले काम और हाथ से होने वाले काम में अंतर है, जो कि आप सभी इस चीज़ को समझते भी होंगे। जम्मू कश्मीर अपनी कला और वास्तुकला, भाषा, बोलियों, रीति रिवाजों, पहनावों, मेलों, त्योहारों, साहित्य, हस्तकला और संगीत आदि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में वहाँ से 370 हटाई गई है, इसलिए ये न्यूज़ में काफ़ी रहेगा, जम्मू कश्मीर की झांकी या जम्मू कश्मीर भी काफ़ी न्यूज़ में रहेगा। अब नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ आते हैं, अब देखिए एडिटोरियल पेज पर जब हम आते हैं तो हमें दो आर्टिकल मिलते हैं। पहला है नागरिकता कानून का कुतर्क भरा विरोध, ये पॉलिटिकल आर्टिकल है और सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के हैं। और जो दूसरा हमारा आर्टिकल है वो है पड़ोस के अल्पसंख्यकों की घातक अनदेखी, जो ये लेखक हैं वो है काउंसिल फॉर स्ट्रेटजिक अफेयर्स के संबद्ध सामरिक विशेषज्ञ। तो इस आर्टिकल को हम लोग देखेंगे, यानी इस आर्टिकल का हम लोग अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो इसमें जो बेसिक बांग्लादेश के बारे में ज़्यादा दर्शाया गया है, जब वो पाकिस्तान से कैसे अलग हुआ, भारत का उसमें क्या सहयोग था, तो जो मेन झगड़ा था वो पश्चिमी पाकिस्तान के उर्दू भाषी और पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी मुसलमानों के बीच था। पर जो पाक फौज के जनरलों और जमात इस्लामी के मौलानाओं को लगता था कि बंगाली मुसलमान बंगाली हिंदुओं के सांस्कृतिक प्रभाव में आकर इस्लाम से भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, ये सोच पाकिस्तानियों की थी। इसी कारण हिंदुओं पर खास तौर पर जुल्म ढाया जा रहा था और इसमें नरसंहार भी हो रहा था, और उसमें उपजे शरणार्थी संकट से निपटने के लिए भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा था, ये आप सभी जानते हैं। इसके चलते ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था। शुरू में तो यह धर्मनिरपेक्ष देश था, पर कुछ अरसे बाद ही वह 1975 में इस्लामिक देश में बदल गया। फिर वहाँ के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस अत्याचार के पहले शिकार दलित हिंदू बने, क्योंकि वही ज्यादातर असहाय थे, यानी कि काफी कमजोर वर्ग के थे।
1947 में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या तकरीबन 31% थी, जो आज मात्र 8% हो गई है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। और न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता सची दस्तीदार ने 2008 में किए गए अपने शोध में यह पाया था कि 4,90,00,000 हिंदू बांग्लादेश से गायब हो चुके हैं। और यही हाल अफगानिस्तान में हुआ, क्योंकि 1970 के दशक में वहां हिंदू और सिखों की जनसंख्या लगभग 7 लाख थी, जो कि अब वर्तमान में घटकर मात्र 2,500 रह गई है। आप समझ सकते हैं इसमें भी कितना डिफरेंस है, यानी कि 90% सिख और हिंदू अफगानिस्तान से गायब हो चुके हैं। यही हाल अगर हम अपने पड़ोस में देखें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में 1947 के बंटवारे के समय हिंदुओं की जनसंख्या वहां पर 15% थी, जो आज मात्र 1.5 से 2% रह गई है, 1.5 से 2% रह गई है। इसकी तुलना भारत से अगर आप कर लीजिए तो 1951 से 2011 के बीच मुसलमानों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, 9.6 से बढ़कर वे 14.2% हो गए हैं। और वहीं अगर हम अपने ही देश में हिंदुओं की बात करें, तो हिंदू जो हमारे 84.1% थे, वे 78.6% हो गए हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश में आज भी गैर मुस्लिमों पर हमले बेहद आम हैं, ये आप न्यूज़ में भी काफ़ी देखते होंगे। इसका एक प्रमाण पाकिस्तान के हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया के बारे में भी आया है, जिसमें शोएब अख्तर ने यह खुलासा किया है कि जो भी पाकिस्तानी खिलाड़ी थे वे उनके साथ खाना नहीं खाते थे। पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल की माने तो धार्मिक उत्पीड़न के चलते 5,000 हिंदू हर साल भारत पलायन कर रहे हैं। 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में बचे हिंदुओं में ज्यादातर दलित और आदिवासी बचे थे, जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने भारत नहीं आने दिया था। पाकिस्तान में भारत के पहले उच्चायुक्त श्री प्रकाश ने अपने संस्मरणों में ये लिखते हुए बताया है कि उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली से उन्होंने प्रार्थना करी थी कि इन लोगों को भारत भेज दिया जाए, लेकिन उन्होंने ही स्पष्ट तौर पर इसे मना कर दिया था। पाकिस्तान से भारत भागकर आ रहे हिंदुओं में ज्यादातर संख्या दलितों और आदिवासियों की है। और इसमें लास्ट में ये भी बताया गया है, अगर इस आर्टिकल के लास्ट का हम देखें तो, पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुसलमानों को धर्म राज्य द्वारा संरक्षित है, जबकि इस्लाम से इतर किसी धर्म को कोई संरक्षण नहीं है। इसलिए वहां से आने वाले मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों से समानता का व्यवहार किया जा सकता है। ये आर्टिकल था जो इम्पोर्टेंट था, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कि तृणमूल ने नागरिक दिवस के रूप में मनाया अपना 22वां स्थापना दिवस। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं का जताया आभार और कहा कि लोगों के हित में लड़ाई लड़ते रहेंगे। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना का 22वां वर्ष था ये, और ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अब हम बिजनेस पेज को देखेंगे तो इसमें जो हमारी पहली हेडिंग बनती है वो है कि किराया वृद्धि के बाद अब यूजर चार्ज वसूलने का प्रस्ताव लाया गया है। रेलवे को यात्री किराया, रेलवे ने जो अभी 4 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया है, उसके बाद अब यूजर चार्ज वसूलने का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। रेलवे को यात्री यातायात में अब भी सालाना 46,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। अब इन्होंने जो 4 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया है उससे इनको जो इनको इनकम होगी 23,000 की, जो कि अभी भी कम है। और प्रति किलोमीटर जो प्रस्ताव लाया गया था वो 10 पैसे का लाया गया था, लेकिन राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए ये सिर्फ 4 पैसे पर रोक दिया गया। यह निर्णय भी कैग की रिपोर्ट के दबाव में लिया गया था, क्योंकि कैग ने रेलवे की हालत को काफ़ी खराब बताया है। अभी रेलवे की वार्षिक योजना 1.65 लाख करोड़ की है, जो कि इस बजट में 1.80 यानी कि 1.80 लाख करोड़ रुपए की संभावना बताई जा रही है। इस तरह 70,000 करोड़ रुपए का इंतजाम रेलवे को हर साल खुद करना होगा। इसके लिए कमाई के नए तरीकों की इजाद करना भी आवश्यक है। अब नेक्स्ट पर आते हैं हेडलाइन पर, तो यह है फिर 1 लाख करोड़ की पार जीएसटी, यानी कि जीएसटी संग्रह लगातार दूसरे महीने भी 1 लाख करोड़ पार कर गया। चालू वित्त वर्ष में 5वीं बार जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। नवंबर और दिसंबर में लगातार 2 महीने
दो महीने में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का जीएसटी संग्रह आया है, जो कि सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में कुछ अच्छी खबर मानी जा सकती है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2019 में जो संग्रह था वो था 1,03,184 करोड़, जो कि दिसंबर 2018 में था 94,726 करोड़, यानी कि इसमें 16% की बढ़ोतरी हुई है। नवंबर में जीएसटी संग्रह जो था वो था 1,03,492 करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर के जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी की राशि 19,962 करोड़ रुपए और राज्य की 26,792 करोड़ रुपए रही है। और वित्त मंत्रालय पिछले वर्ष के दिसंबर के मुकाबले जीएसटी संग्रह में 16% के इजाफे को काफ़ी अच्छा मान रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते ही उम्मीद जताई थी कि आगे हर महीने जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का। अब हम नेक्स्ट हेडलाइन पर आते हैं। तो हमारी नेक्स्ट लाइन हेडलाइन है कि दूसरी हरित क्रांति को परवान चढ़ाने की हो रही है तैयारी। प्राकृतिक संसाधनों वाले पूर्वी क्षेत्र के राज्यों से कृषि क्षेत्र को बड़ी उम्मीदें हैं। इन पूर्वी राज्यों को जैविक खेती वाला क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। वहीं आदिवासी क्षेत्रों को एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन में तब्दील करने की तैयारी है, यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं जहाँ प्राकृतिक संसाधन काफ़ी हैं लेकिन वहाँ पर विकास नहीं है, उन्हें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन में तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। दूसरी हरित क्रांति वैसे तो काफ़ी पुरानी योजना है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस पर बहुत फोकस नहीं किया गया था। जो कि हमारे पहली हरित क्रांति वाले जो राज्य थे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसलों की उत्पादन की वृद्धि दर स्थिर हो गई है। और दूसरी हरित इसका जो मेन कारण है जो स्थिर होने का, वो है इन राज्यों में मिट्टी और भूजल की स्थिति बहुत खराब पाई जा रही है। दूसरी हरित क्रांति वाले राज्यों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम शामिल हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्यों में भूजल का बड़ा भंडार है। यह नदियों के कारण बाढ़ से प्रभावित रहने वाले क्षेत्र हैं जहां मत्स्य पालन की पूरी संभावना है। आम बजट में सरकार इन राज्यों को रासायनिक व कीटनाशक मुक्त कृषि उत्पाद वाला क्षेत्र घोषित कर सकती है। जैविक खेती में जहाँ लागत कम हो जाती है वहीं इसकी उपज में मूल्य बाजार से अधिक रुपए मिलते हैं। यानी कि इसमें आपको इतना ही जानने के लिए था, कुछ नोट करने के लिए नहीं है। अब नेक्स्ट हेडलाइन पर आते हैं। अगली हमारी हेडलाइन है कि सैकड़ों और सैनिक इराक भेज रहा है अमेरिका। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में बगदाद, इस इराक की राजधानी बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया था। उसके मद्देनज़र अब अमेरिका ये कदम उठा रहा है और इसमें जानने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, नेक्स्ट जो हमारी हेडलाइन है वो है हांगकांग में नए साल पर प्रदर्शनकारियों ने निकाला जुलूस, और ये हुआ है लोकतंत्र समर्थकों द्वारा। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन सिविल ह्यूमन राइट्स मोर्चा ने किया है। अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए शहर की सरकार पर दबाव बनाने के लिहाज से एक जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। और स्वतंत्र चुनाव कराने, विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए पुलिस द्वारा की गई कार्रवाइयों की स्वतंत्र जांच कराने के साथ ही आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए 65,000 लोगों को माफी देने की भी मांग इस आंदोलन में की जा रही है। हांगकांग जो हांगकांग है वो अलग देश बनने की मांग कर रहा है। अब हम वो पॉइंट देख लेते हैं जो हम नोट कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि विशेष अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 15 बैंकों के कंसोर्टियम को विजय माल्या की चल संपत्ति बेचने की अनुमति दे दी है। और ये किस एक्ट के तहत लिया गया है? PMLA, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जो कि 2016 में भागकर ब्रिटेन चला गया था। गगनयान 2022 तक पृथ्वी की धुरी पर लगाने लगेगा चक्कर। 4 वायुसेना अफसरों का चयन किया गया है। प्रशिक्षण रूस में मार्च में या फरवरी के लास्ट में होगा। भारत ने गगनयान अभियान के लिए रूस और फ्रांस से करार किया है। चंद्रयान 3 की कुल लागत होगी 600 करोड़ रुपए। वहीदा रहमान को मध्य प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018-19 के लिए दिया जाएगा। ये पहले ही 2 महीने पहले दिया जाना था लेकिन वहीदा रहमान ने मध्य प्रदेश यानी भोपाल जाने में असमर्थता जताई थी, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री उन्हें यह सम्मान मुंबई में जाकर देंगे।
सन क्रीम पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश बन गया है पलाऊ। नेक्स्ट है भारत व चीन के मध्य BPM यानी कि बॉर्डर पर्सनल मीटिंग आयोजित की गई है। नेक्स्ट है जम्मू की प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग और कश्मीर की पेपर माछी हस्तकला 26 जनवरी को राजपथ पर नजर आएगी और इस झांकी का जो थीम होगा वो होगा गांव की ओर। नेक्स्ट है चालू वित्त वर्ष में पांचवीं बार GST का संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। दिसंबर 2019 में GST संग्रह 1,03,784 करोड़ रुपए था, जो कि दिसंबर 2018 में GST संग्रह 94,726 करोड़ रुपए था, जो कि 16% ज्यादा है 2019 वाला। तो ये आज का यानी कि 2 जनवरी 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था, जिसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे वो आपको बताए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।